देहाती बहू के नुस्खे। एक दिन शुक्ला जी और उनकी पत्नी सुमन छत पर बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी शुक्ला जी के बड़े भाई का फोन आता है। राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? राम राम छोटे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बता, कैसा चल रहा है सब? जी भाई साहब, यहाँ सब ठीक है। आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अब क्या बताऊं, तूने तो गांव आना जाना ही छोड़ दिया है जब से शहर में बस गया है। अब क्या बताऊं भाई साहब, काम से फुर्सत ही कहाँ है। याद तो मुझे भी काफी आती है सबकी, लेकिन अब यहाँ भी तो देखना जरूरी है ना। हाँ हाँ, ये बात तो है। अच्छा छोटे, वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अपना राजू है ना, उसकी नौकरी तुम्हारे ही शहर में लगी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, उसका रहने का इंतजाम होने में अभी कुछ वक्त लग जाएगा, तो तब तक वो अपनी पत्नी शीतल के साथ तेरे यहाँ रुक जाएगा, अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो। शुक्ला जी ये बात सुनकर एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं और बिना कुछ सोचे हाँ बोल देते हैं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, राजू मेरा भी तो बेटा है, भला मुझे कैसे दिक्कत होगी। आप उन्हें भेज दो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। फोन कट करते ही सुमन के सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। क्या बात है शुक्ला जी, बड़ा हाँ हाँ किए जा रहे थे, ऐसी भी क्या बात हो गई? बात तो मैं बता दूं, लेकिन तुम चिल्लाना मत शुरू कर देना। शुक्ला जी सुमन को सारी बात बता देते हैं और बात सुनते ही सुमन का मुंह बन जाता है, वो गुस्से से अपने पति को घूरने लगती है। तुम्हें हाँ कहने की क्या ज़रूरत थी, पहले मुझे बात तो कर लेते। अरे इसमें बात करने की क्या ज़रूरत आ गई, राजू भी तो हमारा बेटा ही है, अगर यहाँ आकर कुछ दिन रह लेगा तो क्या हो जाएगा? जब बात तुम्हारे परिवार की होती है तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते हैं। अरे करो जो करना है, मैं तो कुछ बोलूँगी ही नहीं। तुम तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे पता नहीं कौन आ रहा हो। अरे राजू की बहू आएगी तो तुम्हारी ही मदद हो जाएगी, कुछ दिन तुम भी बहू के सुख ले लेना। हाँ हाँ देखती हूँ कितना आराम मिलता है मुझे। अगले दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजती है, सुमन दरवाजा खोलती है, सामने राजू और उसकी पत्नी अपना सामान लिए खड़े होते हैं। सुमन बिना कुछ बोले बस इशारा करके उन्हें अंदर आने को कहती है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाची जी। नमस्ते, आओ बैठो राजू। सुमन शीतल को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारती है। शीतल गांव की साधारण सी लड़की होती है जिसे शहर के तौर तरीकों का कोई अंदाजा नहीं होता। शीतल ऊपर सबके साथ बैठने के बजाय नीचे बैठ जाती है। अरे अरे तुम ये नीचे क्यों बैठ गई, यहाँ शहर में ऐसे कोई नहीं बैठता, यहाँ सबके साथ बैठो। लेकिन चाची जी गांव में तो बड़े बुजुर्गों के आगे नहीं बैठने देते। कोई बात ना है, मैं यहाँ ठीक हूँ ना चाची जी। तभी शुक्ला जी अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे आ गए राजू बेटा, कैसा रहा सफर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं चाचा जी, सब बढ़िया रहा। शुक्ला जी राजू के गांव के हालचाल लेते हैं, तभी सुमन राजू और शीतल को उनका कमरा दिखाने की बात करती है। चलो तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ तुम दोनों आराम करो, बाद में बात करते हैं हम। सुमन उन्हें कमरा दिखा कर आती है और अपने पति को सुनाने लगती है। ये कितने दिन तक रुकेंगे, मैं ज्यादा दिन तक सबकी सेवा नहीं कर सकती, और शीतल को देखकर तो लगता ही नहीं कि उसे शहर का कुछ अता पता भी है, ऐसे में सारा काम तो मेरे हिस्से ही आ जाएगा ना। देखो अब तुम ड्रामा मत शुरू कर दो, और श्रुति कहाँ है, थोड़ा उसे भी कामकाज करना सिखा दो। अब आपके रिश्तेदारों के लिए मैं अपनी बेटी को भी काम पे लगा दूं? हाँ तो क्या उसे सर पर चढ़ाकर रखोगी? सुमन बिना कुछ जवाब दिए अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुमन किचन में काम कर रही होती है तो शीतल मदद करने आती है। अरे चची जी आप क्यों परेशान हो रही है, हमें बताइए हम बना देते हैं। तू क्या मदद करेगी, अच्छा एक काम कर, ये सामान मुझे मिक्सी में पीस कर दे दे। लेकिन मुझे तो मिक्सी चलानी नहीं आती। सुमन शीतल को ताना मारते हुए कहती है। अब तुमसे क्या काम कहूँ, तुम्हें यहाँ शहर का कुछ समझ में तो आने वाला नहीं। शीतल उदास हो जाती है, तभी श्रुति किचन में आती है। मम्मी मम्मी देखो ना मेरी ड्रेस पे ये कैसा निशान लग गया। अरे ये किस चीज का दाग लग गया? अब मुझे क्या पता, मैं क्या करूं, आज पार्टी में मुझे यही पहनना था, कुछ करो ना मम्मी मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। ओहो क्या मुसीबत है, अच्छा रुक थोड़ी देर में देखती हूँ।
सुमन को काम में लगा देखकर शीतल श्रुति की मदद करने को कहती है। चाची जी, ये दाग मैं हटा दूं? अरे नहीं नहीं, रहने दो तुम, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ इधर उधर हो गया ना तो श्रुति मेरी जान खा जाएगी। अरे चाची जी, मेरे पास इसके लिए बड़ा असरदार घरेलू नुस्खा है। अरे कोई भी घरेलू नुस्खा यहाँ के डिटर्जेंट के आगे फेल है, फेल। लेकिन हमारा नुस्खा भी किसी महंगे डिटर्जेंट से कम नहीं है। सुमन चिढ़ जाती है और शीतल को ड्रेस से दाग हटाने का एक मौका दे देती है, साथ ही चेतावनी भी देती है कि ड्रेस को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता ना करिए चची जी, ड्रेस को कुछ ना होगा। शीतल किचन में से थोड़ा गर्म पानी, नींबू और बेकिंग सोडा लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल किचन में आती है और सुमन को ड्रेस दिखाती है। चची जी देखिए तो दाग निकल गया। अरे वाह भाभी, आपके नुस्खे ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये दाग कभी जाएगा भी, लेकिन आपने कमाल कर दिया। सुमन हैरान हो जाती है, लेकिन शीतल को नीचा दिखाने के लिए उसे सुनाने लगती है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये साबुन से भी छूट जाता, और वैसे भी ये घरेलू नुस्खे तो मुझे भी आते हैं। लेकिन मम्मी, मैंने भी साबुन से कोशिश की थी, उससे कुछ नहीं हुआ, आप कुछ भी कहो, ये नुस्खा सच में कमाल का था। सुमन का मुंह बन जाता है और वो अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन शाम को सुमन के घर पे कुछ रिश्तेदार आने वाले होते हैं। सुमन और शीतल खाने की तैयारी कर रही होती है, वहीं शुक्ला जी और राजू भी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शीतल देखो, आज घर पे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो कुछ भी ऐसा वैसा मत कर देना, ये शहर है और यहाँ के तौर तरीके बहुत अलग होते हैं, अभी तुम्हें समय लगेगा सब सीखने में। शीतल चुपचाप सब सुनती है, तभी सुमन जोर से चिल्लाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, इस सब्जी में तो बहुत नमक पड़ गया, अब तो ये सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, रिश्तेदार भी आ ही रहे होंगे, क्या करूं मैं। सुमन को परेशान देख शीतल झट से आटे की 2-4 गोलियां बना के सब्जी में डाल देती है और थोड़ा घी भी डाल देती है। अरे क्या कर रही हो तुम, पहले ही सब्जी में इतना नमक है, अब तुम इसे और खराब ना करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। चाची जी आप क्यों परेशान हो रही हो, आपकी परेशानी यूं दूर हो जाएगी, अभी ये जो आटे की गोलियां डाली है ना, इसमें सब्जी का नमक ठीक हो जाएगा। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। थोड़ी देर बाद सुमन सब्जी का नमक चेक करती है और नमक सच में ठीक हो जाता है। क्या कहा था मैंने चाची जी, हो गई ना आपकी चिंता दूर। सुमन हंसने लगती है, सारे गेस्ट आ जाते हैं। सुमन राजू और शीतल को सबसे मिलवाती है, शीतल और सुमन सबको खाना खिलाते हैं। अरे वाह सुमन, ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, बहू ने बनाई है क्या? नहीं नहीं, ये तो चाची जी ने बनाई है। हाँ बनाई तो मैंने ही है, लेकिन इसे खराब होने से शीतल के नुस्खे ने बचा लिया। क्या मतलब? सुमन सबको सारी बात बताती है और शीतल ने कैसे झट से सब ठीक कर दिया ये भी बताती है। सब शीतल की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, तुम्हारी बहू के नुस्खे तो बड़े कमाल के हैं, आज तो सुमन की सब्जी को बचा लिया शीतल ने। अरे कहीं इसी खुशी में खीर में भी तो नमक नहीं डाल दिया ना तुमने। सब हंसने लगते हैं।